तो आज हम देख रहे हैं कि फोटोशॉप के ऊपर किस तरह से एक विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन करके मल्टीपल एम्प्लॉयज़ या मल्टीपल स्टूडेंट्स के वो कार्ड कैसे हम बना सकते हैं, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से फाइल में जाके ओपन कर रहे हैं और ओपन करके हम यहाँ से जा रहे हैं ब्लॉसम के अंदर, और ये वाला कार्ड हमने एक डिज़ाइन करके रखा हुआ है और ये हमारे फोल्डर में है ब्लॉसम वाले में, और इसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम यहाँ क्लिक करके यहाँ से अपना लेयर्स को ऑन कर लेते हैं, करेक्टर के पैनल को भले यहाँ रख लेते हैं, लेयर्स के पैनल को हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमें कहाँ पे टेक्स्ट दिखाना है उसको डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा काम डिज़ाइन के अंदर हुआ हुआ है इस फोल्डर के अंदर, लेकिन बाकी जो टेक्स्ट वगैरह का काम है उसके लिए हम एक अलग ग्रुप बना रहे हैं और उसके अंदर हम लिख रहे हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लिख के हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर रहे हैं। अब टेक्स्ट लिखने के लिए हमें कौन कौन सा टेक्स्ट रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, अभी हम इसके ऊपर तीन ले लेते हैं। सपोज़ स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, उसकी क्लास ले लेते हैं और डेट ऑफ एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, सही रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज टू बी नेम, और नेम लिख के कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल किया। यहाँ पे फॉन्ट हम कुछ साइज़ का यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एरियल का फॉन्ट यूज़ कर लिया और इस एरियल के फॉन्ट को हमने क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल टी किया, ऑल्टर शिफ्ट किया और इसको इस तरीके से नेम करके हमने यहाँ पे इस तरह दिखा देते हैं कि कैसे दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि इसके आगे नेम नज़र आएगा, क्लिक करके इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसका कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया और यहाँ से हमने इस पर क्लिक किया, डुप्लीकेट कंट्रोल जे, लेयर का डुप्लीकेट किया, क्लिक किया, ऑटो सेलेक्ट पर से चेक हटाया और इसको उठा के नीचे ले आए और उसमें हमने ले लिया सपोज टू बी क्लास। तो यहाँ पर हमने कैपिटल में ही क्लास लिख दिया, इसके अलाइन को लेफ़्ट कर दिया हमने ताकि लेफ़्ट अलाइन पे ही नज़र आई, और उसको भी लेयर को लेफ़्ट करके थोड़ा सा पीछे ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और उस पर क्लिक करके यहाँ से और पीछे कर लिया इसको भी, यहाँ पे इसको ले लिया। ठीक है, और उसका दूसरा लेना है डेट ऑफ़ एडमिशन, तो यहाँ से क्लिक करके डेट ऑफ़ एडमिशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाके इसकी लेयर को दोबारा से इससे नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर हम डेट ऑफ़ एडमिशन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके डेट ऑफ या एडमिशन डेट ले लेते हैं, एडमिशन डेट। अब ये इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको शिफ्ट के साथ इंटर करके इसके नीचे ले लिया। ठीक है, डिलीट का बटन दबा के एडजस्ट कर दिया, क्लिक कर दिया। अब ये तीनों इस तरह से नज़र आ रहे हैं, तीनों लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी दबाया और इसको इस तरीके से करके और छोटा करके मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर और ले लिया ताकि टेक्स्ट आएगा इसके आगे। तो ये कंटेनर है, इसमें इसका नाम है नेम, क्लास और डेट। तो मैं थोड़ा से इनके नाम के ऊपर राइट बटन दबा के थोड़ा से चेंज करूँगा, तो जैसे कैसे चेंज करना है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमने इसका रख लिया टी, टी नेम, और यहाँ पे जाके इसको हमने कर दिया टी क्लास। ठीक है, और इसको यहाँ पे जाके कर दिया हमने टी डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया। अब इस वाले कंटेनर को मैंने बंद कर दिया और इस कंटेनर के बाद एक और चीज़ इसके अंदर जो मैं ऐड करूँगा इमेज वाला, तो उसके लिए मैंने ये एक शेप यहाँ पे बना दिया। तो शेप के लिए एक नया लेयर इसी के अंदर ऐड करा दिया और यहाँ पर वो शेप वाला लेयर ऐड करा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर ये इमेज नज़र आएगा और इमेज हम यहाँ पर दिखाएँगे तो उसके नीचे उसका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक कलर भर दिया मैंने, सपोज टू भी कोई भी एक कलर यहाँ से क्लिक करके ये कलर डाल दिया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करके नो फिल कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये इस तरीके से आपको नज़र आने लग गया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो हमने काम किया ये क्या था, अभी इस काम को रहने दें। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक राइट बटन दबा के इसका लेयर का पूरे कंटेनर का डुप्लीकेट ले रहे हैं, डुप्लीकेट ले लिया, उसका नाम है टेक्स्ट कॉपी। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ टाइटल टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें जो मैंने वो शेप बनाया था वो डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका नाम रख रहे हैं पहली लेयर का एन ए एम ई नेम, और यहाँ पे दूसरी वाली लेयर का नाम रख रहे हैं सी एल ए डबल एस क्लास स्मॉल लेटर्स में, और यहाँ पे लिख रहे हैं एडमिशन डेट के लिए एडमिन डेट विदाउट स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम रख रहे हैं फोटो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब चूँकि ये कंटेनर डुप्लीकेट था इसका, तो मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें उठा के इस तरह से आगे ले आऊँगा और ये आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं कि भाई ये इसके आगे इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है,
ओके okay, अब वो कंटेनर ज़्यादा आगे क्यों चला गया, क्योंकि उसकी लेयर भी इस कंटेनर में सेलेक्ट थी, तो मैं इसको पकड़ के दोबारा से अंदर ले आता हूँ कि वो ये कहाँ नज़र आएगी। वो इमेज इस कॉर्नर पे इस तरीके से नज़र आने वाली है, ठीक है, इधर नज़र आएगी, यहाँ से नेम आएगा। अब नेम को समझने के लिए, एक आसानी करने के लिए, इसके अंदर हम नेम वाली लेयर पर क्लिक करके नेम चेंज कर देते हैं। सपोज टू भी मैं यहाँ लिख देता हूँ राशिद अली, ठीक है, टेक्स्ट पीछे की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसका अलाइनमेंट लेफ्ट पर रखूँगा तो ये टेक्स्ट आगे की तरफ जाएगा, तो और अगर सेंटर में रखूँगा तो दोनों साइड पे फैलेगा। तो मैं इसको सेंटर पे रखूँ या लेफ्ट पे रखूँ, मैं इसको लेफ्ट पे ही रखता हूँ, ठीक है, इसको ओके करता हूँ। और इस लेयर को पर्टिकुलरली मैं थोड़ा पीछे ले आता हूँ कि ये नाम कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं इसको देख रहा हूँ कि भाई ये यहाँ से शुरू हो और इस तरीके से किसी का नाम बड़ा भी हो सकता है, तो और पीछे ले लेते हैं हम इसको, इस तरीके से नज़र आए और आगे तक फिर वो कहाँ तक जा रहा है चला जाए, ठीक है। उसके बाद क्लास के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सपोज टू बी क्लास जो होगी टेक्स्ट के ऊपर हम लिख देते हैं मैट्रिक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैट्रिक, तो यहाँ पे क्लास मैट्रिक आ जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन पे कोई डेट आएगी तो यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ से डबल क्लिक किया, सपोज टू बी 1 सितंबर 2024, हमने एक डेट का फॉर्मेट ऐड कर रखा है कि इस तरह हम डेट डालेंगे तो वो डेट भी इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। और नीचे वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें तो हमें डेटा दिखाना ही नहीं है, तो यहाँ से उसको हम यहाँ से एम्प्टी कर देते हैं बैक स्पेस करके, तो ये इस तरह से डेटा कुछ शो होगा इसके ऊपर, ठीक है। नाम थोड़ा बड़ा हो सकता है तो वो आगे तक आ जाएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए थोड़ा और स्पेस भी रिक्वायर्ड होगा। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों कंटेनर्स को सिलेक्ट करके थोड़ा और पीछे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा इस तरह से नज़र आए। और फ़ोटो के मामले को हम ये करते हैं कि थोड़ा जो कंटेनर के हिसाब से फ़ोटो का जो टेक्स्ट बॉक्स बनता है वो थोड़ा इस तरीके से ऐसे नज़र आए, तो इसमें फ़ोटो यहाँ पर फिट होगा, फिर नाम जितना आगे तक जा रहा है वो चला जाए, ठीक है। तो आपने यार नोट कर लिया कि मैंने इस लेयर का नाम रखा है नेम, इसका रखा है क्लास, इसका रखा है एडमिन, उसका रखा है फ़ोटो। अब क्या करना है, ये सेव कर लें अपनी फ़ाइल को, ये यहीं पर ही सेव हो जाएगी। अब आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और एक्सेल खोलकर इसी नाम से जो आपने लेयर्स बनाई हैं वही लेयर्स उसके ऊपर क्रिएट करनी है, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्रिएट करनी है आपने वही लेयर्स, NAME लेयर नेम के नाम की बनानी है, ठीक है, एक बनानी है आपने क्लास के नाम की बनानी है, और दूसरी आपने स्पेलिंग सेम रखनी है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का भी ख्याल करना है, और तीसरी आपने बनानी है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ओके, तीसरी आपने बनानी थी वो डेट ऑफ एडमिशन की, तो उसकी क्या बताई थी, एडमिन डेट, ठीक है। इस पर स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग में आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ रही हैं, कि आपको लग रहा है कि वो वहाँ पे डेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ क्लिक करके इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लें, यहाँ से नाम आ जाएगा और यहाँ पे ले जाके उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। अभी फ़ोटो वाला काम नहीं कर रहे हम, फ़ोटो वाला फिर कल करेंगे, आज हम इस पर कर लेते हैं, क्योंकि दो चीज़ें हो जाएंगी उसमें, रिसाइजिंग कटिंग पेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसमें यहाँ पर आने के बाद, ये बनाने के बाद आपने जो जो स्टूडेंट के नाम है वो पुट करने हैं, ठीक है, जैसे क्या क्या नाम थे उन स्टूडेंट्स के, सपोज टू भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं सना लियाकत, और मैट्रिक कर देते हैं इसको, ठीक है। एडमिन डेट को लिख देते हैं सपोज टू बी 1 अगस्त 2024, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगले स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं वजाहत अली, उसको इंटरमीडिएट कर देते हैं और उसकी 1 सितंबर 2024, ठीक है। इस तरह से क्रिश्चन कुमार कर देते हैं और उसको मैट्रिक में कर देते हैं और उसको कर देते हैं 1 जुलाई 2024, ठीक है। इस तरह से मीना कुमारी कर देते हैं, मीना कुमारी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया उसको इंटरमीडिएट कर दिया और उसको रख दिया हमने 4 अगस्त 2024। तो ये कुछ डेटा हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इस फाइल को कंट्रोल एस करके सेव किया, लाजमी आता इट विल आस्क वेयर टू सेव द फाइल, तो ब्राउज़ करेंगे यहाँ पे और उसी फोल्डर में ले जाके फाइल को सेव कर देंगे जहाँ पे हमारा वो कार्ड सेव है। तो मैं उस फोल्डर में आ गया, यहाँ से मैंने उसके पाथ पे कंट्रोल सी किया, पाथ कॉपी किया, यहाँ पे पाथ को पेस्ट किया, डायरेक्ट उस फोल्डर के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया सपोज टू बी STD डेटा, इस फाइल का मैंने नाम रख दिया और ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब क्या करना है, इस फाइल को सेव करने के बाद आपने इस फाइल को यहाँ से डेटा को सेलेक्ट करना है, जितना डेटा है, अगर आप बढ़ा रहे हैं डेटा तो और बढ़ा भी सकते हैं, और फाइल में जाके यहाँ से क्लिक करना है